अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू उस्मान रिजवान किचन। आज मैं बना रही हूँ पराठा। अरे जो पराठा आप सोच रहे हैं वो नहीं, मैं बना रही हूँ ऑमलेट पराठा, जो आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपीज के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। हसबे ज़रूरत प्याज, सब्ज मिर्च, फ्रेश धनिया, टमाटर ले लेंगे। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, इस तरह से कटिंग करेंगे। कटिंग कर ली है, अब ऑमलेट बनाते हैं। कटिंग किए हुए प्याज, सब्ज़ मिर्च, टमाटर, फ्रेश धनिया बाउल में डाल लेंगे। नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 अंडे डालकर फेंट लेंगे। ऑमलेट रेडी है। आटे के 2 छोटे पेड़े ले लें। इस तरह से दोनों को बेल लेंगे। अंदर घी या ऑयल लगा लें, ऑयल अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें ताकि बाद में किनारा जल्दी खुल जाए। इस तरह से रोटी का दूसरा हिस्सा ऊपर रखकर बेल लेंगे। रोटी बना लेंगे, तवे के ऊपर डालकर दोनों साइड से पका लेंगे। फ्लेम लो रखनी है। 1/2 ऑमलेट ग्लास में डाल दें ताकि पराठे के अंदर डालने में आसानी हो, साथ थोड़ा सा ऑयल भी डाल दें। बाकी ऑमलेट ऊपर लगाना है लेकिन वो आखिर में लगाना है। इस तरह किनारा थोड़ा सा खोलकर ऑमलेट अंदर डालकर स्पैचुला की मदद से पूरे पराठे में स्प्रेड कर दें। अब ऑयल या घी लगा लें, साइडें चेंज करते रहना है। फ्लेम आपने लो रखनी है, अगर फ्लेम तेज़ करेंगे तो अंडा अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से पराठा पक जाएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे अंदर अंडे को पकते हुए। आखिर में जो ऑमलेट बचा हुआ है वो लगा दें और साइड चेंज कर दें। अब दोबारा आपने जो साइड चेंज करनी है वो 1 मिनट के बाद करनी है ताकि जो ऑमलेट है वो पराठे पे सही तरह से फिक्स हो जाए। ऑमलेट पराठा रेडी है। फीडबैक लाजमी दें कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।